उजारपुरवा क्षेत्र में एक मकान की दीवार गिरने से मलबे में 4 साल की बच्ची दबकर घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि छत पर निर्माण कार्य चल रहा था और उसी दौरान ईंटें एवं लकड़ी की बल्लियां किचन की सीलिंग पर गिर गईं और उसके कारण दीवार गिर गई। उजारपुरवा गली नंबर 4 में रहने वाली आस्था सोंधिया के घर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एकाएक उसके किचन के एक हिस्से की दीवार ढह गई और उसके मलबे में उसकी 4 साल की मासूम बच्ची दब गई। आनन फानन में बस्तीवासियों की मदद से बच्ची को मलबे से बाहर निकाला गया और उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। बालिका को काफी चोट आई है। बताया जा रहा है कि आस्था के पड़ोसी के यहाँ छत पर निर्माण कार्य चल रहा था, उसी दौरान ईंटें और बल्लियां उनकी किचन की सीलिंग पर आ गिरी और ये हादसा हो गया। सर, बच्ची सो रही थी नीचे, ये सो रही थी और ऊपर मकान बन रहा था, उनका बल्ली गिरी और उनका ईंट मीट नीचे गिर गई। नीचे ईंट गिरने के बाद बच्ची दब गई है, मकान पूरा गिर गया, इसके ऊपर पूरा चोट आ गया, पूरा ये सिर में चोट है, ये पूरा पैरों में, पूरा ये हाथों में पूरा चोट आ गया। बेहोश हो गई थी, बेहोश होने के बाद पानी छींटी करके डॉक्टर के यहाँ लेके गई मैं, तो उनने फिर पट्टी वट्टी मिलाई, पट्टी वट्टी करी, पट्टी करके बाद हम लेके आए। नहीं नहीं, वो दीदी थी ना, तो दीदी लिए रहे, तो छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, एक ये लड़की एक छोटा सा बच्चा है, तो वो ली हैं, बुआ ली हैं हमारी। वो पहले हमने उनको पहले उनको निकाला, फिर उसका छोटे छोटे बच्चे को निकाला, तो उनने पहले पकड़े सभी लोग, फिर दौड़ गए। ये बच्ची उसकी माँ मेरे पास लेके आई थी, तो उसके पूरे सिर में रेता भरी हुई थी और मुँह में रेत भरी हुई थी और एक उसका जो राइट साइड का लेग है वो सूजा हुआ था, वो पूरा स्क्रैप लगा हुआ है, छिला हुआ था उसका। तो मैंने पट्टी उट्टी करके साफा करके उसको दवाई वही दे के उसके मम्मी के पास साथ भेज दिया था। वो सलाह दी थी विक्टोरिया चले जाना, वहाँ से जो भी आपका मकान गिरा है तो वहाँ से हेल्प मिल जाएगी तुम्हें, इतनी बस देखिए। उन्होंने बताया कि पीछे कोई मकान बन रहा है तो उसके कारण मेरा मकान गिर गया, बल्ली टूट गई है और बल्ली के साथ में जो चादर गिरी उसके नीचे बच्ची दब गई थी, तो जो चादर उठा करके जो सीमेंट सीट होती है तो नीचे से बच्ची को निकाला इन्होंने, पूरा रेता मुँह भरा हुआ था और सिर में भी रेता भरी थी और पैर से एक साइड का जो है सूजा हुआ है इसका, राइट साइड का। क्या लग रहा है, फ्रैक्चर वगैरह है? मे बी पॉसिबल फ्रैक्चर हो सकता है। इस घटना में घर के अन्य लोग बाल बाल बच गए। बहरहाल बच्ची का इलाज जारी है। उजारपुरवा गली नंबर 4 में रहने वाली आस्था सोंधिया के घर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एकाएक उसके किचन के एक हिस्से की दीवार